Hey there. Please subscribe to my channel and also press the bell icon so you can get latest updates whenever we upload new videos. अरे पागल, तुझे सोशल मीडिया पे किसी अनजान के मैसेज का रिप्लाई नहीं देना चाहिए। वो लोग समझते हैं कोई अस फ्रेंड मैसेज कर दे तो प्यार समझने लगता है कि वो लड़की उन्हें प्यार करने लगी है। लेट इट बी, इग्नोर कर उन लोगों को। गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं किया तो बोल रहा है कि ऑनलाइन होकर भी मैसेज नहीं किए। अरे कितना एडिट किया तो हर रोज मैसेज कर लड़की का रिप्लाई भी नहीं करता, तुम भी एडिट सारा ऐसा लग रहा है ना मारू मैं पकड़ के उसको। सुन एक काम कर, उसको बोल सॉरी मैं तुम्हारा प्रोफाइल चेक कर रही थी और ये भी बोल कि आप बड़े हैंडसम दिखते हो, क्या हम मिल सकते हैं, तो उसका नंबर एक्सचेंज। ओके बोलती हूँ, देख के क्या बोलती हूँ। बोला था ना आप एक अंगी सेट हुई दिखती है, एक नंबर बहुत हार्ड आइटम है भाई। जो सामने से मैसेज कर रही इसने मेरे को, बोलती का मिलने को आओ नंबर दो। चला भाई हार्ड है यार, तेरे से ही लड़की पड़ जाती है। मेरे को कोई रिस्पॉन्स भी नहीं देता ना रिप्लाई देता है यार, पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है उसके, फिर भी यार कोई मतलब नहीं रहता। क्या करूँ यार, बहुत परेशान रहता हूँ। टेंशन मत ले यार, मैं तेरे को पटाके दूंगा एक भारी आइटम। पक्का? आप हो इमरान? हाँ मैं हूँ इमरान। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा यार, हम तो स्मार्ट लोग हैं, हमेशा फिट एंड फाइन रहते हैं हम लोग। अच्छा तो तू है इमरान? हाँ मैं हूँ। अच्छा ये बता, स्मार्ट है तो किसी भी लड़की को फेसबुक पे कुछ भी बोलेगा तो? अच्छा वो सब छोड़, ये बता तू कौन से एंगल से स्मार्ट है? अगर तुझे स्मार्ट बोलेगा तो स्मार्ट को क्या बोलेगा? तेरा बोलने का मतलब क्या है? अरे भाई अपनी औकात नहीं है। अच्छा? कोई लड़की सोशल मीडिया पे तुझे हाय हेलो क्या कर दिए, बात क्या हो गई, चलो ये नहीं कि वो तुझसे प्यार करने लगी, इसीलिए दोबारा कमाल के भैया ऐसा मारूंगा ना एक ही हंसी निकल जाएगी तेरी। मार के दिखा, एक पैसे का तो दिमाग है नहीं। अच्छा? और ना कोई समझ है। ज्यादा बोल रही तू। हाँ इसने बुलाया था मुझे मिलने, मैंने नहीं बोला कि इसको मुझे मिला के यहाँ पे। इसकी जैसी है ना हजारों लड़कियां मेरे को कॉल करती मिलने आओ मिलने, वो लोग की किस्मत खराब हुई जो तेरे को मिलने बुलाई, समझा? अच्छा नहीं जो तुम्हें क्या बोल रहा था कर रहा था मैं। अगर कोई लड़की ऑनलाइन होकर रिप्लाई नहीं कर रही है तो उससे कुछ और काम होगा, भी दिमाग नहीं है तुझमें तो बोलना चाहिए ना, तू बिजी है। मेरे को क्या सपना आया था क्या, क्या तू बिजी है, तेरे को बोलने नहीं होता है? तेरी कोई गर्लफ्रेंड है जो तेरे मैसेज का रिप्लाई देगी, वो तुझसे अस फ्रेंड बात करती है तो प्लीज दोस्त कैसे रहे? क्योंकि जैसे ऑनलाइन देख के हम पूरा दिन वेस्ट नहीं करते लड़की पटाने में, समझे? इतना ही टाइम अगर अपने माँ बाप को दिया होता ना तो उन्हें भी। बोल रही तू? हाँ हट, समझा? वरना यही मारूंगी तुझे। ना मार के दिखा ना। बात क्या कर ली, इसका मतलब ये तो नहीं कि जब ऑनलाइन आओ तभी मैं आपको रिप्लाई करूँ। मेरी तबीयत खराब थी, ऊपर से ये तेरे फालतू के मैसेज, तू ये मत समझ के मैं तुझसे तेरी औकात दिखाने आई। तेरी है, सॉरी बोल, खत्म कर। अबे सुन बे, मेरे को नहीं मालूम था कि इसकी इतनी प्रॉब्लम में चल रही है, और मैं इसको पता नहीं क्या क्या बोलने लगा। हो सके तो मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हारी इतनी हालत खराब है। तो लड़की अगर आपसे प्यार से बात करे इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको पसंद कर रही है या लाइक कर रही है, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपसे सिर्फ एक फ्रेंडशिप और फ्रेंड के तौर पर ही बात। अभी जो आपने वीडियो देखा हमारा, उसमें हम लोगों ने एकदम बड़ी इज्जत से पेश आए, लड़की लड़के से बड़े अच्छे से पेश आई। लड़का गुस्से में उसको क्या क्या बोलने लगा, उसको गला बिला पकड़ा उसका, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जिसकी मन का मुताबिक ना हो तो वो अपना गुस्सा किसी और पे निकाल देते हैं। तो ऐसा कोई लड़की को कोई लड़का परेशान कर रहा होगा, लड़की उसको बुला रही मिलने के लिए,
तो बात ना करे पहले मारे, फिर उसके बाद बात करे, ताकि वो मेरे जैसा हाथ उड़ाने की गुस्ताखी ना करे। अगर आप लोग किसी का अच्छा नहीं बोल सकते तो आप लोग प्लीज किसी के बारे में बुरा भी मत बोलो। लड़की को और भी बहुत से काम होते हैं, वो सोचती है जरा सी फ्री टाइम में अपने दोस्तों से बात करके माइंड फ्रेश कर लेंगे। ऐसा ये नहीं कि वो आपको प्यार करते, पसंद करते, लाइक करते, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज अपनी सोच बदलो तो ऑब्वियसली देश बदलेगा। क्लीन योर माइंड। देखिए मेरे दोस्तों, यदि कोई पर्सन गलत होगा या गलत होगी, इसका मतलब कि सब एक जैसे नहीं होंगे। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है या परेशान कर रही है, जैसे कि मैंने अपने फ्रेंड से शेयर किया और उसके अगेंस्ट खड़ी हुई, वैसे ही आप लोग भी करिए। उसे बुलाइए और उसे मिलकर उसकी धुलाई करिए और उसे सुधारिए, खातिरदारी करना उसकी। और एक और बात, आप किसी भी अनजान लड़की को फेसबुक पे वीडियो कॉल कर लेते हो, वॉइस कॉल कर लेते हो, आधी आधी रात को बेचारी ऑनलाइन आई है, कुछ टेंशन होगा, माइंड फ्रेश करने को वो ऑनलाइन आई है, आप ऑनलाइन देखते हुए डायरेक्ट वीडियो कॉल करते हो। आप लोग सब पढ़े लिखे हो यार, हम इंडिया में रहने वाले यार, इतना तो सोच दिमाग होनी चाहिए। किसी भी अनजान लड़की को वीडियो कॉल करने से पहले आप उससे पूछो, उसकी परमिशन लो, कैन आई कॉल यू अ वीडियो कॉल, कैन आई कॉल अ वॉइस कॉल, कैन आई शेयर माय फोटो और माय नंबर। सो आप डायरेक्ट उसको वीडियो कॉल कर रहे हो, आपका फोटो दे रहे हो एंड बोल रहे हो कि मुझे व्हाट्सएप करे, हाय भेजो। क्यों भाई, वो परेशान हो रहेगी। आपको पता है आपके एक वीडियो कॉल से ना किसी का घर बर्बाद हो जाता है, किसी का ब्रेकअप हो जाता है, आपके एक वीडियो कॉल से। पता नहीं वो कहाँ अपने हस्बैंड के साथ होगी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगी, अपने घर वालों के साथ होगी, या किसी फैमिली मेम्बर के साथ होगी। फैमिली मेम्बर्स में आप अनजान लड़की को वीडियो कॉल करते हो, वो लड़की वहाँ परेशान होगी। आपके एक वीडियो कॉल से पता है वो लड़की को क्या समझा जाता है, कैरेक्टरलेस। आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन वो लड़की जो वहाँ फील करती है, उसको पता है कि वो क्या फील कर रही है वहाँ पे। सो अगली बार से वीडियो कॉल करना बंद करो। तुम्हारे एक वीडियो कॉल से लड़की परेशान हो जाती है, आपसे इरिटेट होकर आपको सोची कि वो अच्छा फ्रेंड रहेगा, पर आपको वो ब्लॉक कर देती है आपकी एक हरकत की वजह से। हम फ्रेंड्स बना सकते हैं यार, लेकिन किसी को इतना इरिटेट या इतना परेशान, इतना टॉर्चर मत करो कि वो आपसे परेशान होकर कुछ कर दे। आपको पता है आपके कितने वीडियो कॉल्स हैं, कितनी लड़कियों ने फांसी लेके जान दी है। आपको नहीं पता होगा ये बात, मैं आज बता रहा हूँ। पता भी होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये सबसे दूर रहो, ऐसा कुछ करो मत। पहले उनकी परमिशन लो, फिर आप उसे कॉल करो। और जितना टाइम आप अपने ऑनलाइन में वेस्ट करते हो, उतना ही टाइम अगर आप अपने मॉम डैड को दो तो उनके घर में आपको उनके काम में हेल्प होगी। और अगर फिर भी आपको मन नहीं लग रहा तो आपके घर में पूजा करो, भगवान की पूजा करो। अगर मुस्लिम है तो नमाज पढ़ो, मस्जिद जाओ। ये सब करने से भी आपको कुछ नहीं होगा तो आप भगवान गीता पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, ताकि ऐसे ऑनलाइन में आप वेस्ट ना करो टाइम अपना। अपना नेट बर्बाद कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो? गलत गलत चीज़ें देख के आप लोग इन्जॉय करते हो, लड़कियों को परेशान, गलत गलत वीडियोज़ देखते हो। अगर इतना ही आपके पास ज़्यादा नेट का MB है तो हमारे इंटरनेट पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, जिससे आप किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो हिंदी का ट्रांसलेशन इंग्लिश सीख सकता है। बहुत सारे ऐसे प्राणी खुले हैं यूट्यूब में जो आप कर सकते हो। तो आप प्लीज़ ये सब को शेयर करो, लोगों को बताओ कि पैसा, नेट और अपना MB वेस्ट ना करें, किसी अच्छे काम में अपना योगदान दे। आपको पता है आपके एक वीडियो कॉल से कोई लड़की परेशान होके, किसी के घर वालों ने कुछ उसको बोल के वो लड़की परेशान होके अपनी जान भी दी है, कितनी लड़कियों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया हुआ है आपके कितने वीडियो कॉल से। बहुत पहले की बात है, आजकल ये सब होता नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए कि ऐसा बंद करो वीडियो कॉल करना बिना उसकी परमिशन लिए। एक्शन बोलो। अरे हो गया। अरे देख फिर से मैसेज किया फोन में देख के बोले। क्या करेगा तू अगर तुझे स्मार्ट बोलेंगे ना, तो स्मार्ट को क्या बोलेगा? स्मार्ट को बात बात के लंबे हो जाए। ध्यान में लाओ, ध्यान में लाओ। चला चला बोल
चलो 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 चलते रहो चलो क्या बोला तो कल तो अच्छा नहीं जो तो कोई मिलने बुलाएगी तब मार दे कॉल करती मिलने आओ मिलने आओ समझा क्या मुझे नहीं लगता मैं हंस रहा क्या तू हाँ सच में पकड़ लिया मेरे को आ गया वन बोल मैं ना एक ही हंसी निकल जाएंगी तेरी समझा मार ले ये है ना मेरे पहलवान बचाने के लिए बॉडी का गिरे चल इसीलिए दोबारा अपनी जुबान संभाल के बात लेकिन वो क्या करेगा निकाल दूंगा और क्या चलेगा तो मस्त देखा समझा वरना यही मारूंगी तुझे मार के दिखा ना एक बड़ा फेंक के मारूंगा तेरे को तुम लोग जैसा पूरा दिन हम ऑनलाइन चलो चलो एक्शन एक्शन यार बोलना क्या बुझा रही भूल गया ना यार का काम होता है हम ऑनलाइन ऑनलाइन टाइम पे हाँ बोलो ना ऑनलाइन ऑनलाइन कट करो फिर वापस क्या था पे आ गई उतनी गर्लफ्रेंड नहीं है जो पहले नहीं जाकर अगर कोई लड़की ऑनलाइन होकर रिप्लाई नहीं करे तो जरूरी नहीं है कि वो ये तो इसका मतलब रिप्लाई रड़ा होगा फिर बोली तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्या रिप्लाई नहीं कर रही है तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ी गलती की अगर मैं ऑनलाइन हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसी में बिजी हूँ अबे यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है अगर तुझे रिप्लाई नहीं करो तो तू गुंडागर्दी करेगा हाँ अबे यार ये सीन में आके अटक जाती है यार क्यों रुक देख रहे हैं तुझे राधा रानी काम में अपना योगदान दे थैंक यू और जो सीजूस बता रहे इमरान वो भी सीखेंगे जाके प्रॉपर बाय बाय लड़कियों को और भी काम अरे जोर से बोलना यार और दोस्तों नहीं लड़की हो लड़कियों को और भी काम होते तो बुरा ना प्लीज थैंक यू वेरी मच हम अब से सिर्फ एक फ्रेंडशिप और फ्रेंड के तौर पे ही बात कर रहे हैं समझ में आई ये नहीं कि मैं आपको भी लाइन मार रही हूँ या आपको पसंद कर रही हूँ ये बोलना है कोई लड़की अगर बात समझ के मैं तुझसे मिलने आई हूँ मैं तुझे तेरी औकात समझा मैं तुझे तेरी औकात दिखाने आई क्या है अरे तू मुझे बहुत गुस्सा आएगा